हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूं मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है माफ करने वाले से। इसके सर में तो दिमाग नाम की कोई भी चीज नहीं है, चुपचाप सुन लो। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो कुछ ऐसा ही कहता, मगर ये भी सच है कि मुराद साहब ने अपने वर्कर से माफी मांगी। चला मुझे सारे पुराने कैटलॉग्स देखने हैं, जितनी जल्दी हो सके मेरे टेबल पे ले आओ। जी सर तैयार है, मुझे मुराद सर से कुछ जरूरी डिस्कस करना है, बाद में मिलते हैं। मैं समझ गई जो आप चाहती हैं, के सार्टे जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके मामलात मैं देखूं, ऐसा ही है ना? तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कोई? प्रॉब्लम कैसी? लेकिन ये काम आप मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं? क्या सार्टे के पास अपने लॉयर्स नहीं? अच्छा एक बात तो बताइए, क्या इस बारे में निजात साहब जानते हैं? निजात नहीं जानते इस बारे में कुछ। ऐसा क्यों है? दरअसल बिजनेस में कुछ डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं हमें। बिजनेस में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके बारे में मैं नहीं जानती। अब चूंकि तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नामी गिरामी वकील हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तुम ही आई। थैंक यू, वो सब तो ठीक है, लेकिन साटे के जो अपने वकील हैं क्या उन पे आपको भरोसा नहीं? कोई तो होगा जिस पे भरोसा हो आपको। मुझे अपनी कंपनी के लॉयर्स पर पूरा भरोसा है, बस अपने बेटे पर नहीं करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ दीदम। मुराद मैं एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और इसीलिए मैं तुमसे भी माफी मांगने आई हूँ। मुराद हयात से तो मैं माफी मांग चुकी हूँ, बहुत ही बुरा बिहेव करती रही हूँ उसके साथ, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त बन जाएं फिर से। मुझे बहुत खुशी हुई दीदम ये सुनकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हम पहले ही की तरह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुमने ये कह के मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे अभी जो शूट होने वाली है उस पर आ रहे हो ना तुम? अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। उसी दिन मेरा बर्थडे भी है तो मैं सोच रही हूँ उसे वहीं सेलिब्रेट कर लूँ, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। प्रॉमिस नहीं करता लेकिन देखेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीदम वो बाहर जो लड़का खड़ा था तुम्हारे साथ वो कौन है, उसे जानती हो? आपका मतलब चेंक? वो मेरा दोस्त है, आप क्यों पूछ रहे हैं उसका? वैसे ही उसे पहले देखा नहीं कभी। ठीक है मैं चलती हूँ। तुम्हारी रात से कब मुलाकात हुई? कल रात को, सॉरी कहने उसके घर गई थी। गुड बाय। अब मुझे समझ आया कि मुझसे मुराद सर सुबह से उखड़े उखड़े क्यों हैं। उनको ये मालूम हो गया कि मैंने डैड के बारे में झूठ बोला था। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। ये तो होना ही था, अफसोस भूल गए, झूठ के पांव तो होते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसे पूछना तो चाहिए कि तुमने झूठ क्यों कहा, ऐसे मुंह बना के क्यों बैठ गया है वो। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, बताओ। देखो हयात, दीदम वाली बात पर उसने खुद आकर तुमसे सॉरी कहा था ना, तो तुम भी जाकर सॉरी कह दो। अब ये भी जाके उसकी तरह उसके पीछे लगे और उससे माफी मांगे, ऐसा भी क्या कसूर हो गया है इससे? मगर जो कुछ भी हो गलती तो मेरी ही है, जब उसे एहसास हुआ था तो उसने खुद आकर माफी मांगी थी मुझसे। हाँ तो इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ, ऑफिस टाइमिंग के बाद सॉरी कह देना उसे। मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये जाके उससे माफी मांगे। आई पैक,
अगर ये सॉरी कह देगी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। वो क्या? जैसे ही वो फ्री हो जाओ उसके पास और एक जोर से लगाकर पूछो कि क्यों मुंह बनाकर बैठा हुआ है। दोस्तों बस बहुत हो गया है अब। हर एक बात बता दूंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। ओह आई एम सॉरी, मेरे दरवाजा खुलने से पहले ही उतर गए। लगता है बहुत जल्दी में हैं आप। हाँ बस जाके आराम करना चाह रहा हूँ, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। खैरियत है? हाँ ठीक है सब, थोड़ा थक गया हूँ शायद। पक्की बात है ना? चलें आज कोई लेक्चर नहीं दूंगा मैं, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूरी बात करनी है। अब क्या कहना है? बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। किस लिए? वो इसलिए आपके और मेरे बीच जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी तो फिर आपने आकर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मुझसे सॉरी कहा था और... अच्छा ठीक है, वो बात हो गई, कहो क्या कहना है। सुन रहा हूं मैं। आपने तो सॉरी कर ली थी मगर मेरे लिए मुश्किल है ये। मैं क्या बोले जा रही हूँ, ये भूल गई मैं सब। तो अब क्या करूं मैं, यहाँ खड़ा होकर इंतजार करता रहूं कि कब तुम्हें अपनी बात याद आएगी? चलें फिर वहां बैठकर बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बिजी हूं मैं, पूरे दिन के मेरे कुछ प्लान्स हैं। बात करनी है तो थोड़ा इंतजार करो फिर। इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना है? सबसे पहले मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, उसके बाद मुझे शावर लेना होगा। हाँ खाने पे बात हो सकती है। अच्छा अगर यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती तो खाना बना सकती हो, उस वक्त तक सारी बातें याद कर लो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है।
हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? जी दरअसल मुराद सर, वो मैं सिर्फ मुराद कह सकती हूँ। ठीक है मुराद, वो मुराद सर नहीं कहा जा रहा। आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये खा लूँ? हाँ, वो मेरे कहने का मतलब है हाँ आप जरूर खाइए खाइए। तुम्हें क्या कहना था तुम्हें याद नहीं आया अभी तक? सोना के घर पे कल रात दीदम आ गई थी। सोना कौन है? वही लड़की जिससे आप मिल चुके हैं, वही जो ऑफिस आई थी। मेरी कजन भी है वो। तुम्हारी कजन? जी कजन है मेरी। कल उसी की कॉल थी, उसने बोला कि घर पर दीदम आई है। मैं सुनकर शॉक्ड हो गई, मैं डर गई कि वो क्यों आई है मेरे घर पर। इसीलिए घबराहट में मैंने झूठ बोल दिया। दीदम की वजह से तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वो घर क्यों आई है, सॉरी बोलने या फिर कोई और मसला है। अगर मैं आपको सच बता देती कि दीदम आई हुई है, तो फिर आप मुझसे सवाल जवाब करते कि क्यों आई है। ठीक है, और कुछ? आप दोनों मेरी वजह से लड़े, मैं नहीं चाहती। तो सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की? जी। इसीलिए तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलती रही, तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बहुत सवाल करूंगा। कुछ ऐसा ही था। यह भी तो हो सकता है कि जो बातें तुम मुझसे अब कह रही हो वो भी झूठ हो। नहीं ऐसा नहीं है मुराद। मैं बहुत ज्यादा उसूल पसंद आदमी हूं, सीधी बात करता हूं, चाहे किसी को बुराई क्यों ना लगे। लोगों को मेरे उसूलों से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता अपने आप को। सबके लिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी अपनी दुनिया बहुत छोटी है। हाँ मैं समझ रही हूँ। नहीं तुम नहीं समझ रही, चाहे जिंदगी में कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। लोगों के पास झूठ बोलने के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में? नहीं बस ठीक है, जो कुछ भी आपने कहा मैं समझ गई हूं। माफी चाहती हूँ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मुराद, मैं जानती हूँ कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं फिर भी आपसे सॉरी कहती हूँ। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत झूठी लड़की हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोले हैं। आपकी खामोशी से यह जाहिर हो रहा है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मुराद, क्या बात हुई? मैंने बस उसे सॉरी कहा, और मेरा सॉरी उसके लिए बेमायने था। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला है। एक बात बताओ जरा, जब तुमने उससे माफी मांगी और उसने माफ नहीं किया तुम्हें, तो तुमने एक जोर से लगाया क्यों नहीं उसे? आखिर इतनी अकड़ क्यों है उसमें? गलती मेरी है अपेक। जब उसे पता चला कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घबरा गया था और वो मुझे लेकर फौरन आया। बार बार उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ, शायद तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो। वो सोच रहा होगा मैं कितना बेवकूफ हूँ। तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब क्या करने का सोचा है? तो ठीक है, इसने अपनी गलती मान ली और उसे सॉरी भी कह दिया, तो अब बात को खत्म कर दे। वो अब मत बनाए ना इशू। सब खत्म हो गया, अब वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा।
मैंने उसका भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरी हर एक चीज झूठी है, मेरा नाम झूठा, झूठ बोलकर नौकरी ली, झूठा घर बनाया हुआ है, हत्ता कि मेरी फीलिंग्स भी उसे झूठी लगती हैं। मैं जानती हुई है जब उसे मालूम होगा कि मैं कौन हूं तो वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा और जिंदगी भर मुंह नहीं देखेगा वो मेरा। मेरी जिंदगी बस एक झूठ बनकर रह गई है। दादी आप तो छा गई हैं। चल हट शरीर, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जो सुबह सुबह यहाँ नाश्ते पर मौजूद हो दुरूक सर सलमास? मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज निजात सर सलमास। वाह बहुत अच्छी बात है, इसी खुशी में मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। चल मुंह खोल। मेरे बेटे आफरीन है तुम पर, शुक्र है अल्लाह ने तुझे भी समझ दे दी और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे हर जगह कामयाबी दे। हाँ दादी जान एक आम सी कारोबारी मीटिंग है और कुछ नहीं। सच पूछो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख। वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस प्रोजेक्ट की अहमियत का तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को देखते हुए। ऐसा नहीं है बाबा, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। और भी कुछ वजूहात हैं। प्रोजेक्ट पे काम कब से शुरू किया तुमने? इस प्रोजेक्ट पे मैं काम उस वक्त से कर रहा हूँ जब भाई अनकरा गए हुए थे और इसके लिए मैंने कुछ वर्कर्स भी अपॉइंट कर लिए हैं। ओह ग्रेट। दुरुक तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही। वो मुझसे ये कहकर गई है कि कोई बहुत जरूरी काम है उसे, आखिर वो एक कारोबारी औरत है। गुड मॉर्निंग दरिया मैडम। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? काम की बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पकड़ो, इसमें जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मुराद को जरूर पढ़ा देना चाला। ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझसे दुरुक साइन करवाने वाले हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये जितना का है उतना करो। तुम बस इतना करोगी कि मुराद को ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त पढ़ाओगी जिस वक्त दुरुक की मीटिंग हो रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। मजीद समझाना तो नहीं है ना तुम्हें? मेरी बात ध्यान से सुनो, कल जो शूट होने वाले तुम उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारी हेल्प के लिए मुराद सर होंगे वहाँ। इस फाइल में उन लोगों के नंबर हैं जो कल शूट पर होंगे। मगर कल तो मेरी छुट्टी होगी। यानी मुझे लगा कि हफ्ते और इतवार को हम लोग काम नहीं करते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कल एक जरूरी शूट है, तुम्हें मेरी जगह होना है क्योंकि कल मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। समझ आ गई? पहले मेरे साथ चलना होगा तुम्हें और चाला जाके सबको बता दो कि आज के लिए मिस हयात मेरी असिस्टेंट है। लेकिन मैं संभाल लूंगी, मगर मुराद सर का क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे वो, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज और इसमें तुम्हारा भी फायदा है मिस हयात, क्योंकि इस मीटिंग में जाके तुम्हें अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। अब तक दी किसी ने ऐसी ऑफर? बिल्कुल नहीं, ऐसी ऑफर तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कैसे हैं मिस्टर हालिद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ये बात, क्योंकि आप बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। वैसे बाय द वे अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस छोड़ना चाहें तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं आप हमारी कंपनी में। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया मिस्टर ध्रुव, मुझे मेरी कंपनी के कामों तक ही रहने दें। इनसे मिलिए, ये मेरी असिस्टेंट हयात और आज की मीटिंग में ये हमारे साथ। मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। प्लीज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन सी दो प्लेट कड़ी चावल और एक प्लेट दाल चावल। मिस्टर दुरुक मुझसे आप मजाक कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स यार, ये कोई खाने का वक्त तो है नहीं, बताइए क्या लेंगे आप लोग? मेरे लिए कॉफी। और आप? ब्लैक कॉफी बेहतर रहेगी। मुझे भी कॉफी पसंद है, मेरे लिए भी कॉफी मगर 3 चम्मच शुगर के साथ। यस सर, क्या आप एक कीमती वक्त में से मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? क्या हुआ चाला, क्या कहना है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ।
जो कहना है जल्दी कहो। क्या आप इसे एक दफा पढ़ेंगे? कौन सी फाइल है ये? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ध्रुव सर साइन करने वाले हैं। इसके तीसरे पेज पे कंडीशन लिखी है जो कंपनी के हिसाब से सही नहीं है। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमें ये कंडीशन मुश्किल में डाल सकती है बाद में। लास्ट टाइम हमने जो मीटिंग की थी उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं हमारे लॉयर ने। अगर आप चाहें उसे एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। हम लोग डील के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये बिजनेस डील हम दोनों कंपनीज के लिए बेहतर रहेगी। बस तो फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरे बड़े भाई मुराद सरसलबास। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मुराद साहब, काफी नाम सुना है आपका बिजनेस में, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी शुक्रिया। दुरुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। बस हमारी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, दो मिनट में आके आपसे मिलता हूँ। जरूरी बात है दुरुक, कम ऑन। ठीक है, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ फिर आ रहा हूँ आपके पास। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट जो आप हमारी कंपनी से चाह रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए एक दफा उसे हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके खिलाफ नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से आगे जाके ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमें थर्ड पॉइंट पे एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग तो इस पे बात कर चुके हैं। हम दोनों कंपनीज के ख्यालात एक ही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत हो। तो फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल देते हैं। मैं समझी नहीं, आपके कहने का मतलब है क्या ये डील कैंसिल है? अगर इस कंडीशन को बरकरार रखा गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। शायद आप इस बात का फैसला अकेले नहीं कर सकते। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा होगा तो मेरे पास इख्तियार है कि इस फैसले को रोक दूं। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। मिस हयात, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। थैंक यू सो मच। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे रूम में आओ, वहां बात करेंगे। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है भाई, मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे भी फैसला करने का पूरा हक है। बहुत अच्छे, लेकिन अगर तुम्हारे बचकाना फैसलों से कंपनी को नुकसान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भाई आप हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें समझाना बेकार है बिल्कुल। क्या लगता है आपको, मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ यहाँ पर? मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो नजर आ ही रहा है। रुक। क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गाड़ी तेज चलाएंगे। देखो अगर मैंने इस वक्त ड्राइव नहीं की तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इसीलिए प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जो कुछ भी हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, बस अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट और एयर बैग हूँ बस। हयात जाओ यहाँ से। क्या मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ? और असिस्टेंट की जगह कहाँ होती है, बॉस के बराबर में ना? आप प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मरना तो मुझे भी नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। दुरुक प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना मैं छलांग मार दूंगी गाड़ी से। दुरुक, मैंने कहा भी था कि मेरे साथ मत आओ। ऐसा नहीं करो दुरू। अरे अगर तुमने समुद्र में छलांग मार दी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे मैं कोई आशिक नहीं हूँ जो किसी के इश्क में छलांग लगा दूंगा। नहीं मगर जैसे तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि क्यों हंसा रही हो मुझे, मैं सिर्फ अपसेट हूँ इसीलिए आया हूँ यहाँ पर।
आपने भी तो मुझे हंसाया था जब मेरा मूड अच्छा नहीं था। ये वो सिचुएशन नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, ये ज्यादा तकलीफ दे होगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं क्या कहूँ, वैसे ही अक्सर होता रहता है भाइयों में। देखो जब तुम्हारे भाई के काम के ऊपर बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मुझे उनके काम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जैसे उन्होंने रोका मुझे, मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक गलत फैसला करने से रोका है। असल में उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वरना जो कुछ उन्होंने बोला वो, मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं उनकी तरह। वो कभी बुरा नहीं सोचते आपके लिए, सारी दुनिया एक तरफ और उनका प्यारा भाई दुरुक एक तरफ। हाँ भाई का प्यार तो देख ही लिया मैंने। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दरार डाल रही है, सुन रहे हो ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक मैं मानता आया हूँ खामोशी से, मगर आज दिल दुखाया है बहुत। अगर कोई रात को ज्यादा देर जाके तो मतलब डिप्रेशन में है, काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। कॉफी पियोगे तुम? हाँ हाँ कॉफी भी पियेंगे, तुम ना भी पूछते तो मैं खुद ही मांग लेती। क्या चल रहा है? पूरे ऑफिस में बातें चल रही हैं जो हुआ आज। द्रुक और तुम्हारी लड़ाई के बारे में सबको पता चल चुका है। द्रुक तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा वो। सुनो मुराद, वो तुम्हारा भाई है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? मुझे नहीं लगता। कंपनी के मामले में मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। पता नहीं इसका बचपना कब खत्म होगा। आज भी वैसे ही जिद्दी हो, तुम्हारे दिमाग को यहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता। खास तौर पर मैं तो बिल्कुल फेल हो गई हूँ। वैसे मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, मेरे साथ कल शूट पर चलो, क्योंकि काम ही तुम्हारी टेंशन को कम कर सकता है। बताओ कैसा लगा आइडिया? तुम्हें लगता है कि शूट पर जाने से सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे? लो सुन लो इनकी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। कुछ मुश्किल है भला मेरे लिए? क्या चाहती हो तुम बोलो? बताओ मुझे, तुम लोगों ने अगर मेरा असली रूप देख लिया तो बहुत पछताओगी। तुम खुद कुछ बोलोगी या मैं शुरू करूं? मैडम, मतलब फरीदे आंटी, मुझे आपसे काम के सिलसिले में बात करनी है। हमारी कंपनी सारथे ड्रेसेस के हवाले से बहुत मशहूर है और मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा भी है उनको, तो अब जो वो शूट कर रहे हैं उसमें मुझे जाना होगा, तो आपसे उसी के लिए इजाजत चाहिए। हाय, मेरी तो सांस बंद हो रही है। फरीदे आंटी, हयात को फोटो शूट के लिए शहर से बाहर जाना है, पिछले 2 घंटे से वो आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही है, तो आप इसे इजाजत दे दे कि वो बाहर चली जाए। शहर से बाहर जाना है? शहर से बाहर क्यों जाना है लड़की, इस्तांबुल में भी तो इतनी खूबसूरत जगह है। कमांडर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। अगर हयात उनके साथ शूट पर नहीं जा सकी तो इसकी नौकरी जाएगी और जिम्मेदार आप होंगी। क्या चाहती हो तुम लड़कियों, मेरी जान लोगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी, प्लीज मुझे जाने देना आप, मगर ये बात आप अम्मी को मत बताइएगा, अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो परेशान हो जाएंगी, बाबा को भी बता देंगी, फिर बाबा कहेंगे तुम फौरन घर पर आ जाओ, कोई ऐसी नौकरी नहीं करवानी है। अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी अम्मी से झूठ बोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना, बस आप खुद कुछ मत बताइएगा, ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बेवकूफ समझ रही हो क्या मुझे, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो? ठीक है फिर जाए, बोल दे सचू ने ताकि वो हयात को साथ ले जाए, फिर इसके बाबा इसकी शादी कर देंगे जिसे ना ये जानती है और ना जिससे मोहब्बत करती है, फिर इसका शौहर इसे रोजाना मारा करेगा, फिर ये खुदकुशी कर लेगी, और फिर रेमिनी आंटी और उसके बाबा की रोज लड़ाई होगी कि तुमने मेरी बेटी की जिक्र शादी क्यों कर दी, उन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी, फिर उनका पूरा खानदान अलग हो जाएगा। नहीं, नहीं, खुदा ना करे कि ऐसा हो। ठीक है तुम
चली जाओ हयात, मगर रात घर के बाहर नहीं गुजरनी चाहिए, सुन लो ये बात। हाँ फरीदा आंटी आप सबसे अच्छी हैं। क्या कर रही हो, पीछे हटो, हटो ना। बहुत गलत हुआ है आज दुरुख। तो आपको भी पता चल गया? मैं बेखबर हूं क्या? नहीं। तुम्हारे बाबा को नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि वो गिल्टी फील करें दुरुख। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। गलती है, ये उन्हीं का फैसला था। जिस दिन उन्होंने ये गलत फैसला किया था कि वो किसी एक को अथॉरिटी देंगे, तब मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। चलो अच्छा ही हुआ आज जो हुआ, इसमें तुम्हारे भाई की असलियत तो सामने आ गई। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं भाई से लड़के उनकी जगह पर आ जाऊं? मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस यही कह रही हूँ कि जो गढ़ा उसने खोदा था वो उसमें खुद गिर गया। मुराद ये चाहता है कि सारी जिंदगी तुम उससे नीचे ही रहो। मैं जानती हूँ कि वो कितना अच्छा इंसान है और तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे डर रहता है कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ कहीं। और वो ये भी चाहता है कि हर इंसान उसके कहने पर जिंदगी गुजारे, मगर मुझे खुशी है कि तुमने उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दुरुक अब तुम बच्चे नहीं रहे, मुराद का जितना हक है इस कंपनी पर उतना ही तुम्हारा भी है। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग, चाला कहाँ है? चाला को आज डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो नहीं आई है मुराद सर। ठीक है आ जाओ तुम। क्या कह रहे हैं आप? चाला नहीं होती तो उसकी जगह कौन काम करता है? तुम ही करती हो ना, आ जाओ। अरे क्या तेरे टाइप की कोई लड़की फिर तुझे धोखा देकर चली गई है? शोर मचा के क्यों जीना हराम कर रहा है हमारा? शायद आपको यकीन ना है, लेकिन मेरा मूड किसी लड़की की वजह से खराब नहीं। फिर ये सब किस लिए? भाई से झगड़ा हुआ है मेरा। बॉल एक तरफ फेंक और अपनी दादी को बता कि क्या मसला है। दादी प्लीज, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, मैं अभी खेलना चाहता हूँ थोड़ी देर और। जब तक तू मुझे बात नहीं बताएगा खेलने नहीं दूंगी। वैसे नाश्ता किया तूने? भूख नहीं है मुझे। हाय अल्लाह, मेरे लाल का ना तो खाने को दिल है ना पीने को। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ी बात है। दादी सुबह ही सुबह क्यों जिद कर रही है मेरे साथ? मूड ठीक नहीं है मेरा, वापस कीजिए बॉल। बक बक किए जा रहा है मेरे साथ, तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं है मुझे मना करने की। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? चल सीधी तरह अंदर चल और चल के नाश्ता कर। आपसे जिद में भला कोई जीत सका है आज तक? हाँ ये हुई ना बात, सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ है आपको? पेट खराब है थोड़ा। कब खराब हुआ? और क्या दर्द भी हो रहा है? किस लिए पूछ रहे हो, तुमको डॉक्टर हो? नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी एक दोस्त नर्स है। मैं आपके सिम्टम्स उसे बताऊंगी तो वो दवाई बता देगी, मगर मुझे मालूम हो गया है कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा तो बताइए क्यों हो रहा है? दुरुक के साथ कल जो भी हुआ उसकी वजह से हो रहा है। सही कहा, उसी बारे में सोच रहा हूँ मैं। मैं वही तो कह रही हूँ, ज्यादा सोचेंगे तो और होगा। तुम्हें तो हर मामले का पता होता है, हर चीज में कॉन्फिडेंट होती हो तुम। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी ये लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। चलें छोड़े, मैं अब अपनी असिस्टेंट की नौकरी शुरू करती हूँ। ये क्या है? ये सैंडविच है जो आप दवाई खाने से पहले खाएंगे। ओके
जानती हूँ नाश्ता नहीं किया होगा, और वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खानी चाहिए। मुझे नहीं खानी। अगर आपको मेरी दवाई पर भरोसा नहीं है तो हम डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है फिर, जो दिल चाहता है करें, नहीं ठीक होना चाहते तो आपकी मर्जी है। बस इसी बात से थोड़ी नाराजगी हो गई। नाराजगी हो गई? मेरा मतलब है झगड़ा हो गया। झगड़ा भी हुआ? ओहो दादी जान, अगर आप मेरे एक एक लफ्ज को पकड़ती रहेंगी तो हमारी बात कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हारे लफ्ज नहीं पकड़ रही दुरुक, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम दोनों भाई झगड़ पड़े? मैंने शुरू नहीं किया ये सब। किसी ने भी शुरू किया हो क्या फर्क पड़ता है? तकलीफ में तो तुम दोनों भाई ही हो ना इस वक्त। तेरे साथ तो पूरा घर है यहाँ, और वो अकेला है। मैं क्या कहूँ, उनकी अपनी मर्जी है। एक बात सुन दुरुक, मुराद तेरा भाई है और उसे सौतेला मत समझना कभी। बेफिक्र हो जाएं दादी जान, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा उनके बारे में, और सोचूंगा भी क्यों, उन्होंने कभी भी सौतेलापन नहीं दिखाया मुझे। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों भाइयों में इतना प्यार है तो फिर ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ना कैसा? अभी तो मैं जिंदा हूँ, समझा लेती हूँ, बाद में कौन समझाएगा तुम्हें? मेरी प्यारी दादी, अब ऐसा तो मत कहें। मुझे लगता है कोई फूट डलवा रहा है तुम दोनों में। मुराद कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। तुम्हें उस आदमी को तलाश करना चाहिए जो तुम दोनों भाइयों के दरमियान में दरार पैदा कर रहा है। दुरुक, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, बहुत अच्छी तरह सुन लो। अपनी माँ की बातों में बिल्कुल मत आना, उसे तुम दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया? मगर दादी जान, मॉम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वाकई तेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा तुझे? अगर तुम दोनों भाई एक साथ होके काम करो, अपने मसले खुद सॉल्व करो, तो कोई तुम्हारे बीच में दरार पैदा नहीं कर सकता। कुछ समझ में आया? आपको पसीना आ रहा है? हाँ आ रहा है। दर्द की वजह से तो नहीं? हाँ हो सकता है। ये तो नहीं सोच रहे कहीं कि मैं इसको मना नहीं करता और दवाई खा लेता तो ठीक हो जाता? हाँ ठीक है, दे दो मुझे दवा। हाँ लेकिन ये सैंडविच नहीं खाऊंगा मैं। सैंडविच भी खाना होगा? मुझे सैंडविच पसंद नहीं है। पहले कुछ खाया जाएगा फिर दवाई खाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं तुम्हारा, गाड़ी चलाते हुए कैसे खाऊं? तो गाड़ी रोक लें कहीं। हमें पहले ही देर हो चुकी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको खिला दूं। ठीक है खिलाओ ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। टेस्टी है। सच कह रहे हैं, मैंने बनाया है। चलो शुक्र है सैंडविच बनाना तो आता है तुम्हें। अब बस खिला खिला के मारोगी क्या मुझे? ओ तुम्हें मारने का तो मुझे आइडिया मिल गया है, सैंडविच बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। खा लिया, अब वो दवा दे दो मुझे। तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा है। एक मुझे मिनट, एक मिनट, घर जाके देखते हैं। हाँ एपिक, यार मुझे एक बात तो बताओ, अभी तक तुम्हें करीम की कॉल नहीं आई, कहीं उस बेचारे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अल्लाह करे हो जाए, जीना मुश्किल कर दिया है उसने मेरा। एक बार मेरी जिंदगी से दूर हो जाए बस, तो जश्न मनाऊंगी उस दिन में, मेरे दिल को करार आ जाएगा उस दिन। एपिक, एपिक। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे वो देखो, नाम लिया और आ गया। हाँ नजर आ रहा है।
ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आज मैं कहीं पागल होकर इसे मार ना डालूं। कैसी हैं आप लोग? हेलो मिस, मेरे दोस्त मुझे करीम कहते हैं। मेरा नाम असली है, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाई पेक आपका बहुत जिक्र करती है, दिन के 24 घंटे आप ही का नाम रहता है। क्या वाकई? इंसान के दिल में कोई बस जाए तो उसे छुपाना मुमकिन नहीं, और मेरे सामने आते ही बोलती बंद हो जाती है इनकी। ऐसा ही है ना? क्या कहती है? क्या कहती हूँ? कैसे पता चला तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ? मुझे बताओ तुम्हें किसने बताया यहाँ का? किसने? गोनल आपा ने बताया मुझे, वो खड़ी हैं सामने। कैसी हैं आपा? ये मेरे पड़ोस में रहती हैं। इन्होंने मुझे मैसेज से बताया कि तुम यहाँ हो और मैं आ गया। असली? अब बर्दाश्त नहीं होता, खुद को मार लूंगी मैं। देख लिया ना तुमने? माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। प्यार लफ्जों में कहा। द लेक हाउस, ये जगह वैसी ही है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप रोमांटिक मूवीज देखते होंगे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आज तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। आपको पता है मुकाबला तो मैं हमेशा ही अच्छा करता हूँ, आसानी से हार नहीं मानता। लेकिन एक बात है भाई, आपको हमेशा किस्मत बचा लेती है।